हम उपस्थित हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है। एक ऐसी बीमारी जो जिसके घर में आ जाती है उसके लिए सब और अंधेरा हो जाता है, कैंसर। उसकी आप विशेष रूप से चिकित्सा करते हैं और उसके कार्य के लिए आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं। और YouTube चैनल है इनका, यदि उसको देखेंगे तो वहां से इनका विस्तृत आपको परिचय मिलेगा। एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, एक समर्पित व्यक्तित्व के धनी, अच्छे पढ़े लिखे और दो गुरुकुल का अभी आप संचालन करते हैं। पाली में इनका गुरुकुल है। गुरुकुल का उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा, और जिनको शुगर और जोड़ों का दर्द हो, गठिया हो, कैंसर हो, थायराइड हो, लाइलाज ऐसी बीमारियां जो एलोपैथिक हॉस्पिटल में नहीं हो रही, उनकी आप चिकित्सा करते हैं। अच्छे पढ़े लिखे हैं और एक गुरुकुल आपके राजीव दीक्षित गुरुकुल के नाम से पाली महेंद्रगढ़ में चलते हैं। दूसरा गुरुकुल अभी बन रहा है हिसार में। हमारी कक्षा में एक माता जी हैं, सीमा माता जी, उनके पतिदेव श्री रजनीश कपूर जी हैं। तो सीमा माता जी कैंसर पेशेंट हैं, लंबे समय से हैं। तो उसी के दौरान उनका आपसे मिलना हुआ और उन्होंने आपके बारे में जानकारी करी, यूट्यूब के बारे में भी मेरे को भी बताया। उन्होंने ही मेरे को रात बताया कि ऐसे ऐसे वो किसी काम से आ रहे हैं पानीपत, यदि आप चाहो तो रात वहाँ रोक लो, सुबह उनका एक छोटा सा उद्बोधन करा सकते हो। जिनको इस प्रकार की दिक्कत हो, होता क्या है, योग दर्शन में एक सूत्र है, एयम अनागत, अभी दुख नहीं है लेकिन कब आ जाए किसको पता। तो आने वाले दुख से पहले बचने की तैयारी करना ही समझदारी है, उसी के बारे में आपको बताएंगे। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं, 15 मिनट आप हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्ते, आपसे दो विषयों में चर्चा करना चाहूँगा अगर आप अनुमति दें। पहला विषय कि हमारे शरीर की जो बीमारियाँ हैं उनको हो गई तो कैसे ठीक किया जाए, और ना हो उसके लिए क्या किया जाए। और दूसरे विषय में हमारे देश की क्या बीमारियाँ हैं और उनको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं सब मिलके। तो इन दो विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज मुझे ये अवसर दिया इतने पवित्र स्थान पर, तो बहुत ही ऊर्जावान है। और रात्रि में जिस समय मैं विश्राम कर रहा था, लगभग 11 बजे थे, और मेरे शरीर की स्थिति ये थी कि मैंने ये बोला था हमारे शिष्य को कि मुझे यज्ञ के दौरान भी आप उठाना नहीं, मुझे उसी समय उठाना जिस समय मुझे बोलने के लिए जाना। और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मैं 4:45 बजे स्वतः उठ गया, और मेरा शरीर इतना ऊर्जावान था कि जब मैं इस क्षेत्र में घूमा तो अद्भुत शक्तियाँ, अद्भुत ऊर्जा यहाँ पे है, शब्दों में मैं उसे वर्णन नहीं कर सकता। तो ऐसे पवित्र स्थल पर मुझे आने का अवसर मिला, उसके लिए मैं परमात्मा का बहुत ही आभारी और ऋणी हूँ। मैं बाबा जयराम दास जी का भक्त हूँ, और मेरे जीवन में जो परिवर्तन है, मेरा जो भूतकाल है वो पश्चिमी संस्कृति से रहा है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में पिछले 12 वर्षों से जॉब करता हूँ। एक घटना ने मुझे अपनी संस्कृति से जोड़ दिया, वो घटना थी अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान। और उससे पहले की एक छोटी सी घटना का मैं वर्णन करूँगा। मैं आधे घंटे भगत सिंह जी के जीवन पर एक कार्यक्रम देख रहा था, गलती से वो कार्यक्रम चल गया मेरे घर पर और मैंने वो पूरा देख लिया। उसके बाद मैंने ये ठाना कि मुझे कुछ करना है, और उसी कड़ी में मैंने बाबा जयराम दास जी के मंदिर में 5 बरगद के पेड़ लगाए, और पेड़ लगाते लगाते मुझे सेवा के माध्यम से कोई ऑडियो, उसी टाइम जहाँ मैं पेड़ों में पानी डाल रहा था भाई राजीव दीक्षित जी की, कि हम राष्ट्र जो गान है जनगण मनगण क्यों गाए, ये गुलामी का गीत हम क्यों गाए। तो फिर मैंने राजीव भाई को पूरा सुना। उनको पूरा सुनने के बाद, और मेरा मित्र जिसके नाम से वो संस्था है उनका रोड एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया, और बाबा जयराम दास जी की कृपा से मुझे जीवन का एक रास्ता मिला कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद हमने शुरुआत की चिकित्सा के विषय से और प्रकृति के विषय से। मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, 1 लाख से ज़्यादा बड़ पीपल और पौधे हम लगा चुके हैं, और अब
आप सबके सहयोग से और परमात्मा की कृपा से एक प्रयास कर रहे हैं कि प्रति वर्ष हम 1 लाख पेड़ लगाएं, और इस बार हम लगभग 21,000 लगा चुके हैं और आगे भी हमारा प्रयास जारी है। अब मैं बात करता हूँ मूल विषय पे। मूल विषय है कि आखिर हम बीमार क्यों हैं। मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया अब तक, मैंने 32 कारण जो कैंसर के भी हैं और कैंसर के पैरेलल अन्य बीमारियों के भी, तो जो उसमें सबसे बड़ा कारण है, ये पहला कारण मैं हर स्थान पर अंतिम समय में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं पहले बताता हूँ क्योंकि आप उस कारण को समझ पाएंगे, बाकी समाज उस कारण को समझ नहीं सकता। सबसे बड़ा जो कारण मुझे महसूस हुआ कि आज मनुष्य, मैं भी उसमें शामिल हूँ, स्वयं से जितना धोखा करता है शायद किसी और से नहीं। वो अपने वचन यानी कि अपनी बात जब रख रहा होता है दूसरे से, जो उसकी वाणी होती है और जो उसकी अंतरात्मा होती है उसमें हर समय भेद होता है। मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं सिर्फ आचार्य जी के दर्शन करने के लिए आया था कि मिलके मैं तुरंत वापस चला जाऊंगा। मेरे मन में नहीं था कि मुझे सोना था, लंबे समय तक सो के मेरे को आगे बढ़ना था, अगले कार्य के लिए जाना था, लेकिन यहाँ खड़े होते ही अचानक मेरे मन में विचार आया कि नहीं, मुझे रुकना चाहिए, तो मैंने रुकने का निर्णय लिया। एक और बात मैं बता दूं, मेरी आस्था जो है जितनी आर्य समाज में है इतनी ही जगत गुरु शंकराचार्य जी में है। मैं समय समय पर उनमें मिलता रहता हूँ, उनसे मार्गदर्शन लेता रहता हूँ, और मेरा एक प्रयास भी है हरियाणा में, जगत गुरु शंकराचार्य जो स्वामी निष्कानंद जी हैं वो एक लक्ष्य को लेके चले हैं कि अगले 3.5 वर्षों में हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, और अगर ईश्वर की कृपा हुई, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, तो हरियाणा में पहला कार्यक्रम होगा जिसमें आर्य समाज के विद्वान और सनातन के यानी कि जो दूसरी पत्ती के सारे विद्वान एक साथ लगेंगे इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, ये संपूर्ण विश्व को बचाने के लिए अनिवार्य है। इसलिए इस विषय को मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि इस समय अगर हमने छोटी चीजों को छोड़ के बड़े लक्ष्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो शायद हम सदा के लिए इस संस्कृति को खो देंगे। कहने को बहुत सारे श्लोक चलते हैं कि सनातन संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है, लेकिन मैं जितना समझ पाया हूँ, जितना मैं महसूस करता हूँ कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, जो करता है वो आगे बढ़ता है। ईश्वर ने कर्मों की स्वतंत्रता छोड़ी है और कर्मों के अनुसार परिणाम छोड़ा है, तो वो उस कार्यक्रम में आप सबका मेरे को सहयोग भी चाहिएगा ताकि इसको हिंदू राष्ट्र बना सके हम, क्योंकि उसी से विश्व का कल्याण है। अब मैं अपने मूल विषय पे आता हूँ, बीमारी। तो बीमारी का जो पहला कारण है वो अपना जो मन और वाणी के बीच भेद और छल कपट है, जिससे व्यक्ति इंटरनली कमजोर होता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि जब बिना टिकट के ट्रेन में बैठते हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को जितना शास्त्रों में लिखा है, जितना विद्वान बताते हैं, वो खाली खाने से नहीं बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो मैंने अनुभव किया वो 90% निर्भर करती है हमारी इंटरनल फीलिंग से। जैसे मैंने कोई अच्छा काम किया, किसी का भला किया, तो मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। पिछले 4 दिन से मैंने ठीक से खाया भी नहीं है। मैं अपने जीवन के अनुभव बताऊंगा, सत्य क्या है, असत्य क्या है मुझे भी नहीं पता। जो मेरे अनुभव है अब तक, जो मैंने 25,000 से ज्यादा रोगियों को देखा है, वो अनुभव मैं आप तक रखूंगा। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है ऐसा करने से, जब हम छल कपट करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, और वो ही बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि हमारी गलत दिनचर्या हो गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि विरुद्ध आहारों का हम सेवन करते हैं, यानी कि हम दूध के साथ खट्टी चीजों का सेवन करते हैं, दूध के साथ नमक का सेवन करते हैं। ऐसे 34 आइटम है जो मैंने देखे हैं, विरुद्ध आहार है, मैं विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, वो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद सुबह हम उठने से लेके और सोने तक जो भी हम सेवन कर रहे हैं वो हम अपने आप को, हमारे समाज को समाप्त करने के लिए करते हैं। जैसे सबसे पहला हम चाय का सेवन करते हैं। चाय एक बहुत बड़ा केमिकल है उसके अंदर है, जो हमारे शरीर के अंदर जाके पेन क्रिया का कैंसर तक बना देता है। और मैंने क्या अनुभव किया है कि जो लोग चाय को छोड़ देते हैं, मात्र 3 महीने वो परेशान होते हैं, उसके बाद बीमारियां भी छूट जाती है। तो चाय, कॉफी, ये विदेशी पेय पदार्थ सभी खतरनाक, इसकी जगह आप काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने
दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया है। किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन किसी भी कंपनी का हो उसमें मैं पतंजलि को भी शामिल करता हूँ, सभी कंपनियों के टूथपेस्ट खतरनाक है, सोडियम लॉरेट सल्फेट है उसके अंदर, पतंजलि के में भी है क्योंकि वो हमारी विचारधारा से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ। कोलगेट पेप्सोडेंट इन सब में तो है ही है, हमारी स्वदेशी विचारधारा की कंपनियों में भी है क्योंकि वो इतनी मात्रा में जो झाग है वो केमिकल के बगैर बन नहीं सकता, या तो गोमूत्र से बन सकता है या एलोवेरा से बन सकता है या कुछ और औषधियाँ हैं, लेकिन वो उस डब्बे में बंद करना संभव नहीं है। तो उसके विकल्प के रूप में आप गो आधारित दंत मंजन या लाल दंत मंजन या दातुन, मौसम के अनुसार विस्तृत जानकारी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, किस मौसम में किस बीमारी में क्या दातुन करनी है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कैंसर के रोगी के लिए नीम की दातुन श्रेष्ठ है। उसके बाद आज हमने जो पैकेट का खाना शुरू किया है, चाहे वो आपके पैकेट का दूध हो या जितने भी प्रकार के पैकेट का भोजन है, वो सब का सब केमिकल युक्त है क्योंकि प्रिजर्व करने की जो लिए जो केमिकल डाला जाता है वो केमिकल उसके भोजन के गुण तो समाप्त कर देता है, साथ में रसायन भी आपके शरीर में भेज देता है। उसके बाद मैदा से बने हुए जो उत्पाद हैं, जब ये व्यवस्थाएं बाउंड्रियां विश्व की क्रॉस हुई, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से संस्कृतियों का ट्रांसफर हुआ, जो भोजन है वो वहाँ के जलवायु के अनुकूल होना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने हमारी जलवायु और क्षेत्रफल के आधार पर भोजन तैयार किया, वही भोजन श्रेष्ठ है जो विदेशों से आ रहा है, वो नहीं, वो चाउमीन हो, वो पिज्जा हो, बर्गर हो, वो आपकी आंतों के अंदर फंस जाता है और इस समय आंतों की रुकावट पूरे विश्व में है। जिस दिन हम हमारी आंतों को साफ कर पाएंगे, माँ के गर्भ से 10 महीने 11 महीने में बच्चा निकलेगा और वो दिव्य संतान होगी, उस पर मैं फिर कभी विस्तार से चर्चा करूँगा। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो हर चीज में सच्चाई को सामने रख देते हैं, और मैंने अपने जीवन के बहुत सारे निर्णय खाली उनके बारे में चिंतन करके ही ले डाले। तो आज जो फैशन के रूप में श्रृंगार हमारी संस्कृति है, लेकिन हमारी संस्कृति ने श्रृंगार शरीर की अनुसार बनाया, जैसे महिलाएं प्राचीन काल में चंदन लगाती थी होठों पे, उसके दो फायदे थे, पहला शरीर को ठंडा रखते थे मतलब शीतलता देती थी, बुद्धि बढ़ाती थी और सहन करने की क्षमताएं बढ़ती थी उससे। उसका स्थान आधुनिक दौर ने लिपस्टिक और बहुत सारे नाम नहीं पता, वो सब के सब महिलाओं में कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। नमक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे यहाँ पे दो प्रकार के प्राकृतिक नमक है, काला नमक है और सेंधा नमक है, दोनों ही अमृत की तरह काम करते हैं, लेकिन जब से पूंजीवाद का आगमन हुआ इस राष्ट्र में, तब से हर चीज के अंदर व्यापार घुस गया। तो जो पैकेट में नमक आ रहा है, भले वो टाटा का हो, बाटा का हो, किसी भी कंपनी का हो, वो सीधा सीधा विष का काम करता है। उसके बाद मैं पानी की बात करूंगा। हमारे शरीर में 72% पानी है और पानी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमें आरोग्य प्रदान करने का, लेकिन शुद्ध पानी नहीं। पानी के नाम पर जितने भी आपके आरओ हैं, ये सब यूरिया डीएपी से पानी को फिल्टर करते हैं, जो सीधा सीधा विष का काम करते हैं। तो जो आरओ का पानी है, या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस देश में खड़े हो गए हैं कि गाड़ी आती है टैंकर के रूप में 10 रुपये में आपको भर के दे जाती है, वो सब आपको आपके शरीर को नष्ट करने के लिए है। आप शुद्ध बारिश का पानी सबसे ज़्यादा अमृत है, वैज्ञानिक आधार पर भी मैंने देखा 7.5 पीएच बारिश का पानी है, और जहाँ से गंगा माँ निकलती है उसका भी पीएच 7.5 से लेकर 9.5 तक है। नर्मदा जी अमरकंटक से निकलती है उसका पीएच भी यही है, सोहन नदी अमरकंटक से निकलती है उसका भी पैरलर यही पीएच है, क्योंकि वो पानी प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक पानी भले ही वो नीचे से हमने जमीन से जल स्रोत के रूप में निकाला हो, वो श्रेष्ठ है किसी भी आरओ और अन्य व्यवस्थाओं के पानी। मैं आरओ का खाली नाम लेके अन्य व्यवस्था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय के अनुसार षड्यंत्र बदलते हैं। जो बातें भाई राजीव दीक्षित जी ने कही थी वो बातें आज बदल चुकी हैं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद नए पैकेट में नए प्रकार का है। आप एक ही कंसेप्ट को समझ लो, जो प्रकृति से सीधा सीधा हमें मिल रहा है वो श्रेष्ठ है। इसके बाद आटा
इस समय शहर के क्षेत्र में 99% लोग आटे को जहर के रूप में ले रहे हैं, जो हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं पुनः आपको कह रहा हूं, आशीर्वाद का आटा आता है, नाम लेके मैं बोल रहा हूं, चाहे मेरे पे कोई केस कर दे, या पतंजलि का जो आटा आता है, ये तमाम पैकेट में आए हुए हैं आटे आपको बर्बाद करने के लिए। आप खुद प्रैक्टिकल कीजिए, आप किसी पे मत जाइए, आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी को याद कीजिए, आपको सब समझ में आएगा कि मात्र वस्त्र पहनने से कोई साधु नहीं हो सकता। उसका मूल कंसेप्ट क्या है, जो पैकेट में आटा आता है, आप देखो आटे को पीस के आप रख लो, 2 महीने रख लो। हमारे दादी माँ कहती थी 24 दिन से पुराना आटा नहीं लेना, पहले तो डेली का डेली लेते थे, उस समय खूब ऊर्जावान होते थे, हाथ से पीसते थे, क्योंकि 24 दिन के बाद स्वयं परमात्मा की व्यवस्था है, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, चने में घुन लग जाता है। अब आप एक बात बताओ, 6 महीने पहले पतंजलि का आटा पैक हुआ और आप तक 6 महीने तक रहा, या आशीर्वाद का रहा या अन्य कंपनी का रहा, कैसे उसमें कीड़े नहीं पड़े? इसलिए क्योंकि उसे विषकारी बना दिया गया, उस आटे के अंदर पहले से ही जहर मिला दिया गया, तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। जहां भी आपने परमात्मा की व्यवस्था को रोका है, वहां संकट ही संकट है। परमात्मा की व्यवस्था को रोकना मतलब मनुष्य बीमारी की तरफ बढ़ रहा है। तो पैकेट का आटा बिल्कुल छोड़ दो, पिसवाओ चक्की से, अपने घर का लेके आओ, मिश्रित खाओ, मौसम के अनुसार खाओ। उस पर फिर आटे का भी एक बहुत बड़ा विधान है, शास्त्रों में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद दूध, हमारे राष्ट्र में इस समय 80% से ज्यादा दूध नकली बिक रहा है, शहरी क्षेत्र में तो टोटली नकली है। दूध को बनाने के लिए मेलामाइन और कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, यूरिया डीएपी मिलाया जाता है पानी के अंदर, फैट मिलाने के लिए पत्थर आता है विशेष प्रकार का, उस पत्थर को उसमें घोला जाता है, उस पत्थर की परमिशन गवर्नमेंट से भी ली हुई है कंपनियों ने, और वो नकली दूध आपको दिया जाता है, जो इनफर्टिलिटी, शुगर, जोड़ों का दर्द और अन्य प्रकार की बीमारियां देता है। तो पैकेट का दूध आप इस्तेमाल ही मत करो। और मैं तो यूं कहता हूं कि आप किसी गोपालक को अपने साथ जोड़ो और उससे दूध लो, और इतना ही नहीं, उसको ये बोलो कि दूध मुझे जितना मैं समझ पाया हूं कि अगर बछड़े का पेट नहीं भरता है, बछिया का पेट नहीं भरता है, अगर उसके बाद हम वो दूध लेते हैं तो वो जहर की तरह काम करेगा। मैंने अपने जीवन में मेरे एक साथी की सर्गवास के बाद, क्योंकि उसी की विचारधारा थी भागराज जी, वो कहते थे कि अगर आप किसी भी जीव का शोषण करके उससे कुछ भी ले रहे हो तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो केवल 2 थड़का जहाँ दूध निकलता है गौ माता का, वही हम ग्रहण करते हैं। तो आप ये नियम बनाओ कि ऐसे गोपालक रखो जो अपने बछड़े या बछिया, समाज बहुत भेद कर रहा है, बछड़े को दूध नहीं देते, बछिया को दे देते, पाप है। 2 थड़ से अतिरिक्त दूध पीना या बछड़े का पेट भरने से पहले दूध पीना खून पीने के बराबर है। तो ये एक बहुत बड़ा बीमारी का कारण है। इसके अलावा एलोपैथी की जितनी दवा है, इस समय अधिकतम दवा आपको बीमार करने के लिए है। यहां तक जो वैक्सीनेशन हुआ है, मैंने बहुत बोला, लेकिन यूट्यूब पे वैक्सीनेशन के खिलाफ बोलते ही आपका चैनल तक डिलीट कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा वैश्विक स्कैंडल था आप सबको मुट्ठी में लेने का। ये इसके अंदर हमने आरटीआई लगाई थी, महाराज जी मैं बताऊंगा, हमारे साथी विकास पाटनी, कंपनी ने स्वीकार किया कि जिंदे बछड़े को निकाला गया है और उसका रक्त लिया गया है इस वैक्सीन को बनाने के लिए, स्वीकार किया है, कानूनी रूप से स्वीकार किया है। तो आप सोचिए कि वो वैक्सीन, आप वैज्ञानिक आधार को छोड़ दीजिए, धार्मिक आधार पर भी आ जाओ कि हमारे इतिहास में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, कितनी भी बड़ी क्रांति हुई है, तो गाय को लेकर हुई है। और आज भी मैं कहता हूं कि ये सभ्यता दोबारा से जन्म लेगी, समाप्त होने की कगार पे है, तो उसका सूत्रधार केवल गो माता बनेगी। अगर हम हमारी गाय की मूल प्रजाति को बचाने में असफल हो गए तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। तो दूध इसका बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद एक भोजन को अतिरिक्त स्वादिष्ट बनाने के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, नाम याद नहीं आ रहा, हलवाई लगभग सभी शादियों में प्रयोग करते हैं। ये केमिकल पेनक्रिया, पेट, लीवर और किडनी के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, और इसका नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा, अजीनोमोटो। अजीनोमोटो
अजीनो मोटो ये केमिकल है, और मेरी बहन की शादी में मेरी बड़ी डिबेट हुई, उससे 2 लाख रुपए हलवाई को दिया, बोला कि स्वादिष्ट नहीं बनेगा। मैंने कहा भाग जा फिर, तू हलवाई किस नाम का? चाइनीज केमिकल है और इसका बहिष्कार करना बहुत अनिवार्य है। प्लास्टिक के जितने भी बर्तन हैं जिनमें हम भोजन सेवन करते हैं वो सब कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। प्लास्टिक का जो हम जलाते हैं उस समय विसर्जित जब होता है प्लास्टिक, वो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। यूरिया, डीएपी और इसी के समानांतर जितने भी केमिकल हैं वो सब कैंसर में अन्य बीमारियों के कारण है, क्योंकि वो जीवनीय शक्तियों को घटा रहे हैं। अगर भारत की बात करूं तो ये ऑन रिकॉर्ड है महाराज जी, 100 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ से ज्यादा जीव हमारी भारत की मिट्टी में होते थे। आज हरियाणा की स्थिति है, मात्र 7,000 जीव बचे हैं। जो हमारी 100 ग्राम मिट्टी होती थी प्राचीन 100 साल पहले की मैं बात बताता हूं, उस समय 100 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ से ज्यादा जीव होते थे, इसके प्रमाण है। आज हम 100 ग्राम मिट्टी को लैब में लेके जाते हैं तो उसमें मात्र 7,000 जीव है। मिट्टी को मां का दर्जा दिया गया, वो जीवित थी, वो जिंदा है। आज भी आप मिट्टी को लैब में लेके जाओगे तो उसमें 7,000 से ज्यादा जीव हरियाणा में है, एवरेज कहीं आप डाउन होगा, और 5,000 के आसपास पंजाब में है। आप उसी मिट्टी को आदिवासी क्षेत्र में लेके जाओगे, मेरे कपड़े सड़े हुए उस मिट्टी से, उस मिट्टी में आज भी आपको करोड़ों जीव मिलेंगे। जैसे जैसे जीवों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जीवन बढ़ेगा, शक्तियां बढ़ेगी, सद्भाव बढ़ेगा और ऊर्जा बढ़ेगी। तो यूरिया, डीएपी ये सब केमिकल हमें समाप्त करने के लिए। इसके बाद अगला जो सबसे बड़ा स्कैंडल है वो बीज के रूप में है। जितने भी बीज हाइब्रिड जीएम सीड्स है ये सब बीमारियों के कारण है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पंद्रह मिनट मिले थे। अब मैं आपको 2-3 बीमारियों का, एक तो आपको दो चैनल दे देंगे जिसमें विस्तार से बताया होगा कि शुगर को कैसे ठीक करना है, लेकिन मैं छोटे छोटे चीजें आपको, शुगर सबसे बड़ी समस्या है और मेरे लक्ष्य में भी है। शुगर के लिए 2 विधियां मैं आपको पहले बताता हूँ। पहली विधि के अंदर आपको कढ़ी पत्ता लेना है, 1 चम्मच कढ़ी पत्ता लेके, और गौ माता के शुद्ध दूध में, और गाय शुद्ध होनी चाहिए, बीज की सीमन की नहीं होनी चाहिए, उस दूध को गर्म करो रात को और उसके अंदर जामुन लगा दो और जमा दो। ऐसे 6 महीने आप शुगर इसको सेवन करोगे निरंतर, तो किसी भी प्रकार की किसी भी लेवल की शुगर हो 70% लोगों की सारी टैबलेट इंसुलिन वगैरह छूट जाती है। साथ में इसमें आप 30 से 40 ग्राम प्याज का सेवन करो, आपकी पेन क्रिया को एक्टिव कर देगी। 3 या 4 कली आप लहसुन की रात को पानी में भिगो सुबह सुबह सेवन करो, और 1 चम्मच मेथी रात को भिगो के सुबह सेवन करो। जिन लोगों को गठिया है उनको एक बहुत सरल विधि बताता हूँ, बहुत परेशान है गठिया से लोग, आपको नागौरी अश्वगंधा लेना है मात्र 1 ग्राम, इंद्रायण मूल की जड़ लेनी है 1 ग्राम, दोनों का पाउडर बना के रात को गुनगुने पानी से ले लो, आपको दस्त लगेंगे परेशान नहीं होना। शरीर का गंध छाड़ने के लिए परमात्मा ने एक रास्ता दिया है, 3 रास्ते हमें दिए हैं गंध को निकालने के लिए, लैट्रिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से और मुख के माध्यम से, उल्टी के माध्यम से। ये 3 सबको दिखते हैं और जो इन तीनों से श्रेष्ठ है और बड़ा है वो हमारा पसीना है, और पसीना न निकलने का कारण हम शर्म नहीं करते। और बीमारी का एक सबसे बड़ा कारण और मैं आपको बता दूं, एयर कंडीशन एसी, ये भी बहुत बड़ा बीमारी का कारण है, कैंसर का भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इससे जो स्वयं ईश्वर की एक प्रक्रिया, आप सोचो अगर गर्मी की आवश्यकता नहीं होती तो ईश्वर ने जलवायु ही नहीं बनाया होता, इसलिए ईश्वर ने सभी जलवायु बनाए हैं ताकि हम गर्मी को अनुभव कर सके। मैं जहां तक संभव होता है मैं एसी का इस्तेमाल नहीं करता, जहां मेरे नियंत्रण से बाहर बात है, और वैसे भी अगर धर्म के आधार पर भी समझो तो एयर कंडीशन से जीवों की हत्या होती है, और जिस चीज से जीवों की हत्या हो उस विषय में हमें नहीं जाना चाहिए। अपना शरीर को जितना आप तपाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। आप जोड़ों के दर्द के लिए, गठिया और जोड़ों का दर्द दोनों अलग है, जोड़ों के दर्द में एक औषधीय पौधा है हार श्रृंगार, अमृत की तरह काम करता है। 4 पत्ते आप उबाल लो और पी लो, हार श्रृंगार से ठीक हो जाएगा। शुगर के लिए एक और विधि मैं बता दूं, अपने यहाँ परिसर में खड़ा हुआ है गुड़मार, बेलनुमा भी पौधा होता है और बड़ा पौधा भी होता है, बेल भी होता है पौधा,
तो गुड़वार के शुगर का लेवल कितना है उस आधार पर आप उसे उबाल के पिएंगे तो ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ पे शास्त्रों में अनेकों प्रकार की दिव्य औषधियां एक ही बीमारी को हल करने के लिए बहुत संसाधन है, लेकिन हमें अपनी जो मूल विचारधारा है उसकी तरफ लौटना है, हमें हमारी संस्कृति की ओर लौटना है। इसके अलावा एक बीमारी कैंसर की बात करी, कैंसर को ठीक करना आसान है, लेकिन जो मैं रात को चर्चा कर रहा था, सभी कैंसर के रोगियों को मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, और इतना भी है कि बहुत सारे रोगी ऐसी स्थिति में आते, ऐसे ऐसे रोगी ठीक हुए जिनका सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मेरा अल्लाह ने जवाब दे दिया, वो ठीक हो गए, और ऐसे ऐसे रोगी समाप्त हो गए जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, जिन्हें देख के कोई नहीं कह सकता कि ये रोगी है, ये मेरे जीवन का अनुभव है। लेकिन ईश्वर की कृपा इतनी है कि एक ही वर्ष में 466 से ज्यादा केस रखे जो भारत में आज तक कोई नहीं रख पाया, और ये ईश्वरीय शक्ति है, करने वाला करवाने वाला सब ईश्वर है। तो कैंसर को ठीक करने के लिए चार प्रमुख औषधियां हैं जो हमारे घर में है। पहली औषधि है तुलसी माँ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ तीव्र रक्त शोधक है, और तुलसी में श्रेष्ठ है श्याम तुलसी। दूसरी औषधि आपको कचनार लेनी है, तीसरी औषधि आपको लेनी है हल्दी, और चौथी औषधि आपको लेनी है पुनर्नवा। अब इसमें एक चीज को समझो, समय का अभाव था इसलिए बता नहीं पाया, बीमारी का एक कारण पैकेट के मसाले भी है, जो हल्दी पैकेट की आ रही है, जो मिर्ची पैकेट की आ रही है, हमारी रसोई हमारे पूर्वजों ने ऐसी बनाई थी कि बीमार हो ही ना, तो ये जो पैकेट की जो जितने भी मसाले, ये भी एक बीमारी का कारण है। इन चारों औषधियों को आप बराबर बराबर 5-5 ग्राम पानी में भिगो लो, रात को उबाल के पी लो, रात को भिगो दो फिर उबाल के पी लो, साथ में 5-5 ग्राम तिलफड़ा सुबह शाम लो, और एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, मामरा बादाम, केसर, कीड़ा जड़ी और सफेद मूसली, इनका पाउडर बना के गौ माता के दूध के साथ लो, क्योंकि समय का अभाव है तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अंत में सिर्फ दो चीजें और कहूंगा, शरीर की बीमारी बता दी, राष्ट्र की बीमारी दो प्रमुख है, पहला सांस्कृतिक रूप से और दूसरा आर्थिक रूप से। दुनिया को सारे विश्व को परेशान करना या जो भी समस्या है उनके दो ही मूल आधार हैं, पूंजीवाद और कुर्सीवाद। कुर्सीवाद में पंथ की सत्ता भी आ जाती है और पूंजीवाद में सभी पूंजीपति लोग हैं, ये विश्व की समस्या है। भगत सिंह ने भी ये बात बोली थी, जब तक पूंजीवाद रहेगा हर समय शोषण रहेगा, और जब तक पंथवाद या कुर्सीवाद रहेगा तब तक भी शोषण रहेगा। सबसे बड़ा स्कैंडल जो होने वाला है वो बीज का है। अगर आप लोग अपने प्राकृतिक बीजों को बचाने में कामयाब हो गए तो आपके घर में संतान जन्म लेगी, अन्यथा फर्टिलिटी सेंटर खुलेंगे इस देश में। आज मैं आप सबके बीच में बात रख रहा हूँ, अगले 10-20 वर्षों में आप देखोगे जिस प्रकार से हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ी है उसी प्रकार से फर्टिलिटी सेंटर बढ़ जाएंगे। आपको अपने देसी बीज बचाने हैं, और गोमाता, और गोमाता में भी भेद करना सीखिए, जो गोमाता बीज से तैयार हुई है वो आपकी गोमाता नहीं है, वो भगवान की बनाई हुई गाय नहीं है, वो मशीनों के माध्यम से सीमन के माध्यम से बनी है। ऐसी गोमाता आप लेके आइए जिसको ईश्वरीय व्यवस्था को छेड़ा नहीं गया है। मैं तीन नस्लें आपको बता के जाता हूँ, कांकरेज नस्ल, नारी नस्ल, और बाड़मेर के एरिया के अंदर थार पारकर नस्ल, और भी नस्लें होंगी शुद्ध। और अब सबसे बड़ा षड्यंत्र इस गाय को खत्म करने पे है, जो ये बीमारी है ये सबसे ज्यादा इन्हीं गायों के ऊपर आएगी। बाड़मेर में 10,000 गाय खत्म हो चुकी है। इस समय जो सबसे श्रेष्ठ कर्म मनुष्य का होगा, जैसे यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, इस यज्ञ के माध्यम से हमने ऐसे ऐसे कैंसर रोगियों को ठीक किया जिनको एक बूंद नहीं जाती थी, इन्हीं दिव्य औषधियों को यज्ञ के माध्यम से दिया तो वो ठीक हुए। इसी प्रकार से यज्ञ के साथ साथ अगर कोई पहला श्रेष्ठ कर्म है देसी गाय को बचाना, इन शुद्ध नस्लों के नंदी और गाय अगर आप बचा लोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां बच पाएंगी, अन्यथा नहीं बच पाएंगी। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और भावनात्मक रूप से बोलते समय किसी बात से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई या मुझसे कोई गलत बात निकली हो तो ईश्वर मुझे क्षमा करें, आप लोग भी क्षमा करें। वंदे मातरम, जय भारत, जय गो माता, जय धरती माँ, भाई राजीव दीक्षित। धन्यवाद आचार्य जी, अगर समय होता तो हम जरूर आपसे कुछ और भी सुनना चाहते हैं। आर्य समाज की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप शांति पाठ करिए।
शांति शांति शांति।